किसान साथियों राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, गेहूं की HD 3385 वेराइटी की हम बुआई कर रहे हैं। ये देखिए HD 3385 और साथ में NPK 12:32:16 प्रति एकड़, दो बैग 12:32:16 और प्रति एकड़ 35 से 40 किलो, ये समथिंग HD 3385 गेहूँ की हम बुआई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले दो बार कल्टीवेटर चलाया, उसके बाद में रोटावेटर करके ज़मीन बिल्कुल समतल कर दिया है। अब हम लहसुन की सीडिल से यहाँ पे HD 3385 वेराइटी की बुआई कर रहे हैं। हमने 15 से 20 मिनट पहले लगाए लहसुन की सीडिल थी, उसमें दूसरे गेहूँ बोए थे हमने GW 513, उसको संपूर्ण रूप से साफ किया। उसके बाद में हमने HD 3385 का बीज डाला है। तो किसान साथियों, यहाँ पे इस तरह से पहले खेत को सुधार लीजिए, उसके बाद में बुआई करेंगे तो काफ़ी शानदार रहेगा। अब लहसुन की सीढ़ी से, बहुत से किसान भाइयों के सवाल थे कि लहसुन की सीढ़ी से आप गेहूँ लगाते हैं, तो लहसुन की सीढ़ी से क्या है कि दाने से दाने की दूरी रहती है, इसके कारण ग्रोथ ज़्यादा होता है और अपना जो बीज दर होता है वो कम गिरता है। क्योंकि जो महंगे बीज आते हैं वह क्या है कि हमें बीज की बचत हो जाती है, क्योंकि अगर ये साधारण सीडिल जो गेहूँ सोयाबीन बोते हैं उस सीडिल से अगर अपन बोनी करते हैं तो यहीं पे हमें 20 दर कल से 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डलता, वहीं पे अपना 20 दर 25 किलो करीब करीब हमारा बीज बच गया है, जिससे क्या है कि हमारी ज़मीन ज़्यादा जाएगी और बीज गेहूँ कैसा उगता है लहसुन की सीडिल से ये भी मैं आपको बताऊँगा उगने के बाद में। ये देखिए इस प्रकार से गेहूँ की बुआई हो रही है। ये देखिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय जवान, जय किसान।